अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर 2023 है, तो तसी का एनालिसिस करते हैं आज का। तो लास्ट वीक तसी क्लोज़ हुआ था 10,850 के करीब। तो इसने जब आपको मैंने आपको बताया था कि इसने 530 से अपनी एक स्ट्रांग सपोर्ट ली है और इंशाल्लाह अब ये रिबाउंड हो गया इसका, अब ये अपने आप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इसकी एक अच्छी रैली बनेगी एक। लेकिन थर्सडे को इसका एक इन्वर्टेड हैमर बना है जो कि थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन अगर एक आध सेशन एक्टिव रहा भी तो इंशाल्लाह फिर मार्केट रिकवर करेगी। और अब मार्केट में जो इसने 530 से अपना एक सपोर्ट लिया है, तो अब ये 12,000 को टच करेगी इंशाल्लाह विद इन वन मंथ, और नवंबर के एंड तक आप देखेंगे या दिसंबर के स्टार्ट तक ये 12,000 तक मार्केट जाएगी। तो आप अभी सारी होल्डिंग अपनी रखें, अभी कोई भी शेयर सेल ना करें आप। अगर आपने अभी एंट्री नहीं ली तो अगर एक आध सेशन नेगेटिव होता है तो उस वक्त एंट्री का एक चांस होगा, तो आप एंट्री ले लें। और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे सलमान हबीब है, उसकी तो अब एक रैली बन गई है, उसमें अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी आप उसका थोड़ा वेट करें, 260 के ऊपर चला जाए तो फिर एंट्री लेंगे आप। जिन्होंने एंट्री ले ली है वो अभी अपनी होल्ड रखें एंट्री। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एंट्री बनती है, जैसे सिस्को है उसमें बनती है, जैसे सार्को है 2030 उसमें भी एंट्री बनती है, जैसे फवाज अल हुकेर है 4140, तालीम है एक वो वाला 4292 वाला। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको जो भी पसंदीदा स्टॉक है आपका उसमें आप एंट्री ले लें। जैसे ही मार्केट की अभी रैली बनेगी तो आप इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इसमें। 12,000 तक वेट करें, जब मार्केट 12,000 आएगी तो फिर आपको मैं गाइड करूँगा कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो बेस्ट लक आपको आपके शेयर मार्केट में आपके लिए, और इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट होगी तो फिर मैं आपको वीडियो बना दूँगा। टेक केयर।